सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन, एमएनएसएस लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं गुड मॉर्निंग सुपर फास्ट सुबह की कुछ खास कुछ हल्की फुल्की खबरें जिसको सुनकर आपका दिन बन जाए। सिंधु मूसेवाला हत्याकांड, जी हां, शार्प शूटर जाधव और सूर्यवंशी गुजरात से गिरफ्तार। महाराष्ट्र पुलिस बोली लॉरेंस और सिंगर के मर्डर से लिंक खंगल रहे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला। हत्याकांड में महाराष्ट्र के पुणे का शार्प शूटर संतोष जाधव गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे गुजरात के कच्छ से साथी नवनाथ सूर्यवंशी के साथ पकड़ा गया। पुणे पुलिस की टीम को यह कामयाबी मिली। दोनों को 20 जून तक रिमांड पर लिया गया है। संतोष जाधव कुख्यात गैंगस्टर अरुण गवली गैंग का गुर्गा है। संतोष जाधव और नवनाथ सूर्यवंशी को दिल्ली पुलिस ने मूसेवाला की किलिंग में शामिल बताया था, जिसके बाद दोनों की तलाश की जा रही है। फिलहाल उसे 2021 में दर्ज पुणे के एक मर्डर केस में पकड़ा गया है। महाराष्ट्र के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर कुलवंत कुमार सारंगल ने कहा कि गैंगस्टर लॉरेंस गैंग से इन दोनों के लिंक के बारे में जांच की जा रही है। इनके मर्डर से लिंक है या नहीं, इनकी भी हम जांच करेंगे। संतोष यादव और नवनाथ सूर्यवंशी से पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस की टीम पुणे रवाना हो चुकी है। पंजाब पुलिस की एक टीम पहले ही वहां सौरभ महाकाल से पूछताछ के लिए कर रही है। राहुल सोनिया पर 50 लाख लगाकर 2000 करोड़ बनाने का केस, समझिए क्या है नेशनल हेराल्ड का पूरा किस्सा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए सोमवार को ईडी के सामने पेश हो रहे हैं। ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी को समन जारी किया था। ईडी ने सोनिया को 8 जून को और राहुल को 13 जून को पेश होने को कहा था, लेकिन सोनिया गांधी के समन जारी होने के बाद कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से ईडी ने उनसे पूछताछ की तारीख 23 जून तक के लिए बढ़ा दी है। ईडी का यह केस ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर आधारित है जिसमें उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नेशनल हेराल्ड मामले की जांच और सोनिया राहुल के टैक्स असेसमेंट का आदेश दिया था। किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने किया मधुबाला की बायोपिक पर रिएक्ट। बोले, बायोपिक तो सबकी बनती है। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस मधुबाला की बहन मधुर भूषण उन पर बायोपिक बनाने का प्लान कर रही है, जिसके लिए उन्होंने मधुबाला के पति किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार से बात की है। अमित को एक्ट्रेस के बायोपिक बनाने से कोई एतराज नहीं है। अमित को मधुबाला की बायोपिक से कोई प्रॉब्लम नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अमित से मधुबाला की बायोपिक बारे में पूछा गया तो अमित ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा, क्यों नहीं, आजकल बायोपिक तो सबकी बन रही है। मधुबाला किशोर कुमार की दूसरी पत्नी और अमित उनकी पहली पत्नी रूमा गुहा के बेटे हैं। आज की खास खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।